सभी को नमस्कार दोस्तों। आज कैप्टन मिलर रिलीज हो चुकी है, साथ ही में और भी कई फिल्में रिलीज हुई है, यानी कि आने वाले कुछ दिन अब हमें हमारे फिल्म देखकर ही ठार होने वाले हैं। लेकिन फिल्म देखने में इसलिए भी मजा आने वाला है क्योंकि ये सभी फिल्में अच्छी अच्छी कहानियों पर बनी, अलग अलग कहानियों पर बनी, और जो फिल्में हैं सभी में भरपूर एक्शन होने वाला है, इसलिए फिल्म देखकर मजा आने वाला है। बिना किसी कॉपी पेस्ट की ये फिल्म है, यानी कि किसी की कॉपी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कैप्टन मिलर पर। तो कैप्टन मिलर की आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए नए फिल्मों के बारे में अपडेट मिलते रहे दोस्तों। कैप्टन मिलर आज फिल्म रिलीज हो गई, जो कि 2 घंटा 48 मिनट की ये फिल्म है दोस्तों। और मैं अगर धनुष की बात करूं तो धनुष हर बार जैसा अपने फैंस को नई नई कहानियों के द्वारा जो आश्चर्यचकित करते रहते हैं, इस बार फिर से उन्होंने आश्चर्यचकित किया, एक नई कहानी लेकर आए। और जो उनका परफॉर्मेंस था काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में देखने के लिए मिली है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैं आरआर टाइप की कोई फिल्म देख रहा हूँ, बीच में आरआर टाइप की लगी, लेकिन फिर कहानी एक अलग दिशा में चल गई है। फिर कहानी मतलब अच्छी फिल्म देखने के लिए लगी है। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि फिल्म की शुरुआत होती है कि कैप्टन मिलर यानी धनुष की माँ उसे 600 साल पुराने मंदिर की कहानी सुनाती है, जहाँ एक मूर्ति को गुप्त तरीके से गाड़ दिया गया था, और जो मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र थे वो उपहार के तौर पर आदिवासियों को दिए गए थे वो क्षेत्र। अब जो अंग्रेज होते थे वो हमारे ऊपर जो करते अत्याचार करते थे, और वो जो राजा लोग रहते थे उन्हें अपने हाथ में रखते थे और राजाओं के द्वारा और अत्याचार वो करवाते थे, और राजा चमचागिरी करते थे। तो मैं ये सब राजाओं को नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे आदमियों के बीच कुछ बुरा इंसान भी रहता है, तो वही वो राजा, कुछ राजा बुरे भी होते हैं, तो वो अंग्रेजों के साइड मिलकर अपने ही लोगों पर अत्याचार करवाते थे, चमचागिरी करते थे, और बदले में उन्हें जमीन उमीन पैसे वैसे मिलते थे बड़े बड़े। तो इसमें दिखाया गया है और किस तरह से जो कैप्टन मिलर होता है अपने गांव के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है, एक सम्मान पाने के लिए वो ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है, और फिर ब्रिटिश आर्मी में वो अपने सम्मान के लिए भर्ती हो जाता है, और फिर क्या ऐसा होता है कि वो गांव के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है, क्या ऐसा होता है कि वो ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो क्या ऐसा होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या ऐसा होता है। तो अगर मैं धनुष की बात करूँ तो धनुष जो चश्मा लगा के, जो गोल चश्मा लगाए थे, वो देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हंसी भी आई, क्योंकि उनका किरदार उस समय काफ़ी अलग था। जैसा कि पुष्पा आपने देखा होगा, तो पुष्पा के चलने का स्टाइल था, जो इसमें धनुष ने जो चश्मा लगाया है, काफ़ी किरदार मुझे धनुष का यहाँ पर अच्छा लगा, किरदार और एक्टिंग भी धनुष ने ज़बरदस्त की दोस्तों। और ऐसे में ये कहना कि पहले दिन का कलेक्शन कैप्टन मिलर का क्या रहने वाला है, मतलब कहना मुश्किल है, क्योंकि और भी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है, तो फर्स्ट डे कलेक्शन अभी फ़िलहाल बोलना मुश्किल है, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है, वो तो बाद में पता चल जाएगा कि आपको कि क्या फर्स्ट डे कलेक्शन होने वाला है। तो अब देखते हैं ये फिल्म क्या धमाल मचाती है। तब तक के लिए नमस्कार, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।